हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है AED इनसाइड। AED का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो इसको कैसे यूज करना है, इसका वर्क क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में हमने डिटेल में कवर किया है। तो सारी जानकारी के लिए आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो इसको जिम में होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन जिम में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से इसको जिम में आप एक साइड में वॉल पे लगवा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। तो इसे यूज कैसे करना है, आइए इसको सारा डिटेल में हम देखते हैं। आपको बॉक्स से बाहर निकालना है, बाहर निकाल के साइड में जिप दिया हुआ है, तो जिप खोल के आपको इस तरह से ओपन करना है, और ओपन करके इसके पैकेट को बाहर निकालना है। पैकेट को बाहर निकाल के आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो स्टेप है वो ओपन द पैकेट है। तो आपको पैकेट को ओपन करना है। पैकेट को ओपन करके सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं, टेक आउट द पैड्स फ्रॉम पैकेट। तो आपको उससे बाहर निकालना है, और सेकंड जो स्टेप है इसमें एक पैड में कवर दिया हुआ है उसको रिमूव करना है, और चौथे स्टेप पे आपको देख रहे हैं प्लेस द पैड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आपको बॉडी में इसको अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं पास से हमने कैमरे को जूम कर दिया है। तो आपको पहला जो है मेल को किस तरह से चेस्ट के एक अपर में लगाना है, एक लोअर साइड में लगाना है, और सेम वैसे ही आपको फीमेल के साथ भी ट्रीटमेंट देना है। और इधर चाइल्ड की बात की जाए तो चाइल्ड को भी आप देख सकते हैं चेस्ट के बीच में और एक बैक पे पीछे पे लगाना है। तो कुछ इस तरह से इसको यूज करना है। और आगे बात की जाए तो इसको कैसे स्टार्ट करना है, तो इसको ओपन करना है, और ओपन करके आप देख रहे होंगे इसमें दिया हुआ है सारा कुछ, जिस तरह से पैकेट में दिया हुआ था वैसे इसमें दिया हुआ है। आपको चाइल्ड को देना है और एडल्ट को देना है। तो इसमें मोड दिया हुआ है, तो आपको इसको स्लाइड करना है। ये सॉक का बटन दिया हुआ है, इधर देख सकते हैं। तो आपको चाइल्ड को कैसे देना है, जो 1 से 7 साल के चाइल्ड होते हैं, तो आपको इस तरह से स्लाइड करके रखना है। देख रहे हैं चाइल्ड मोड पे ये लगा हुआ है अभी। तो एडल्ट को देना है, जो वो 8+ होंगे, तो स्लाइड कर देना है 8+ पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पिक्चर में बना हुआ है। पहले पावर स्टार्ट करना है, फिर सेकंड में आपको उसे अप्लाई करना है बॉडी पे, फिर इसमें एक पैकेट के अंदर ही प्लग दिया हुआ है। ये पैकेट आप जब खोलेंगे तो प्लग निकलेगा, तो उसको प्लग में भी लगाना है। और उस तरह से पैड अप्लाई करने के बाद जब आप सॉक देंगे तो आप उस तरह से बॉडी से दूर हो जाएंगे। बॉडी से दूर होते ही सॉक बटन को आपको दबा देना है, और सॉक बटन दबाते ही आपको वेट करना पड़ेगा बॉडी में क्या रिएक्शन रहता है। और आप उसी तरह से रिएक्शन देख के, आप यहाँ देख सकते हैं, आप माउथ से ब्रीथिंग दे सकते हैं, या फिर 30 सेकंड तक जैसे CPR दिया जाता है उस तरह से आप चेस्ट के पास अपने हाथों से प्रेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो 6 नंबर पे कुछ उस तरह से ही दिया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप पावर बटन है, यहाँ से ही पावर बटन आपको ऑन करना है। ऑन करके आपको वेट करना है मशीन को ऑन करने का, और फिर उसके बाद पैकेट खोल के यहाँ पे पैकेट को अप्लाई करना है। उसमें प्लग दिया हुआ है, और प्लग को लगा के जैसे कि इसमें दिया हुआ है, प्लग को यहाँ पे आपको डालना है, पिन, प्लग की पिन को डाल के इस तरह से बॉडी में चिपकाना है। चिपका के सॉक देते समय छोड़ के दूर हाथ हटा लेना है दोनों तरह से, नहीं तो आपके हाथ अगर लगाए रहेंगे बॉडी से तो आपको भी सॉक लग सकता है। तो इस वजह से हाथ हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको बॉडी से दूर होके ही सॉक देना है, और सॉक देने के बाद आप देख सकते हैं अगर बॉडी में रिएक्शन नहीं होता तो आपको CPR देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। CPR से नहीं होता तो सेकंड स्टेप दूसरा ऑप्शन ये है कि आप माउथ से ब्रीथिंग दे सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। बात कर लेते हैं मोड के बारे में। यहाँ देख सकते हैं चाइल्ड मोड और एडल्ट मोड दे रखा है।
तो आपको जब चाइल्ड मोड देना है तो आप स्लाइड करके चाइल्ड मोड पे लगा के दे सकते हैं, 1 से 7 साल के बच्चे के लिए ये। और एडल्ट मोड जो है 8+ के लिए है। बच्चे को इस तरह से देना है आपको, देख सकते हैं पिक्चर में, और फिर स्लाइड करके आप चेंज कर सकते हैं मोड। तो इस तरह से आप स्लाइड चेंज करके आपको मोड देना होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सारा कुछ, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और इस तरह से आपको उसको पैकेट में रखना है, और पैकेट में रख के इस तरह से आपको बॉक्स को धीरे से बंद कर देना है। और बॉक्स को बंद करके आपको बैग को ऐसे ही बंद करके जिप से बंद कर देना है। आपको सिंपली जो आप अपने जिम में बॉक्स लगाए हैं उस बॉक्स के अंदर ऐसे आराम से रख देना है, और इसे रख के इस तरह से बॉक्स में बंद कर देना है। तो ये रहा हमारा एडी का इनसाइड का पूरा यूज करने का तरीका, कि आपको कैसे यूज करना है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर लीजिएगा, तो हम आपका कन्फ्यूजन जो भी होगा क्लियर कर देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं से एंड करते हैं।